And thank God that I got a chance to go this year. बहुत सारी बातें सीखी और ब्रदर्स एक्ट के मैसेजेस कभी ऐसा नहीं लगता है कि रिपीट हो रहा है. उनको सुनने का और मन करता है. पर इस बार कॉन्फ्रेंस में ब्रदर्स एक्ट के मैसेजेस ने तो लाइट्स दिखा दी है बाकी वर्ड ऑफ गॉड में. बट बाकी ब्रदर्स जिन्होंने शेयर किया उनके लाइफ में, उनके लाइफ से जो मुझे सीखने मिला वो मुझे काफ़ी एनकरेज किया है. और ब्रदर जैक का जो बर्डन है कि यंग लोगों, यूथ्स को आगे आना चाहिए, उनको एनकरेज, तो ये सारी बातें सुन के और देख के कि इस बार जो भी शेयरिंग था वो मोस्टली यंग पीपल ने, यंग ब्रदर्स ने की थी. और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे उनके लाइफ इंस्पायर हुए. उन ब्रदर्स जब शेयर कर रहे थे उन्होंने अपने लाइफ के बारे में इतना नहीं बताया जितना बाद में जैक ब्रदर ने और उनके लाइफ के बारे में बताया. तो उनका फेलोशिप इतना अच्छा था और इतने स्ट्रगल्स और ट्रायल्स से जब इंसान जाता है तो पहले मैं दूसरे ब्रदर्स को समझ नहीं पाती थी जब वो शेयर करते थे. पर इस साल मैंने देखा कि उनके जो वो जिस तरह से लाइफ जी रहे हैं, जिस तरह से ब्रदर जैक ने लाइफ जिया, जिस तरह से उन्होंने जीसस को फॉलो किया, उसी तरह कितने सारे दूसरे ब्रदर्स ने भी अपने लाइफ में फॉलो किया. और जब मैंने ध्यान से सुना उनकी बातों को और समझा तो उनके लाइफ के बारे में मुझे इतना इनक्रेजमेंट मिला वो मैं बता नहीं सकती. हर चीज़ मैं नहीं बता सकती बट बहुत अच्छा उनका लाइफ था. और वो सोच के मैं को मोटिवेशन मिला कि मैं उनके तरह चलूं अपने लाइफ में. और बाकी सारे एग्जांपल्स जो थे ट्रायल से जाना. हाँ, ब्रदर जैक ने एक बात बोली थी कि व्हाट कैन कीप मी फ्रॉम सिनिंग, लाइक मैं अगर सिन करने का सोचती हूँ बट अगर मेरा प्यार लॉर्ड जीसस के प्रति इतना है देन दैट लव, that first love which I had firstly, वो लव मैं अगर याद करूँगी और मैं वो चीज़ भूलूँगी नहीं, जीसस को मैं आज भी उतना ही जब चाहूँगी तो मैं ऑटोमेटिकली सिन नहीं करूँगी. तो ये छोटी छोटी बातें काफ़ी छू गई मुझे क्योंकि लाइफ में जीसस लाइक गॉड सब कुछ करते हैं बट हम ग्रांटेड लेने लगते हैं. तो दिस आई हैव लर्न दैट